घाट पे सब यहाँ पे पर्पल पिंक ब्लैक वाइट ब्लैक ऐसा कॉम्बिनेशन पहने हुए हैं। क्या आप देख लो सब लोग रेडी हैं। यहाँ रही मैं, ये रहे ये लोग, इधर ये, और ये रहा कृष्णा। गुड मॉर्निंग कृष्णा। और ये रही मेरी प्यारी। गुड मॉर्निंग प्यारी। गुड मॉर्निंग। इधर देख के। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग पूजा के लिए घाट पे, और आपको लेके चलते हैं साथ में। चलो चलते हैं। So welcome back guys, and this is part 2 of छठ पूजा vlog, and ये morning की पूजा का vlog है। एंड इससे पहले मैंने आप लोग के साथ में part 1 शेयर किया है, और नहीं देखा है तो description box में link होगा। और हम सभी लोग ना घाट पे आ चुके हैं, और ये रहे हमारे हैप्पी फेसेस। इस पर हम सब ना बहुत टाइम से ही घाट पे आ गए थे, और हम सब वेट कर रहे हैं कि जल्दी से सूर्य देवता उदय हों और मॉर्निंग की जो पूजा है वो कंप्लीट हो जाए। और ये रही मेरी प्यारी सी प्यारू। सो सभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, और सभी यहाँ वेट कर रहे हैं कि जल्दी से पूजा ख़त्म होए। और क्योंकि हम लोग को ना यहाँ से ख़त्म करके पूजा और गांव जाना था मुंडन सेरेमनी के लिए। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। छोटी छठी मैया से बरत दो हार, हमनी से बरत दो हार, तहरी भरोसा हमनी के, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के वेटिंग फॉर सूर्य उदय। एंड तब तक के लिए ना हम सभी लोग फोटो सेशन और सेल्फी वगैरह ले रहे थे, वीडियो एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि पूरे एक साल में ये टाइम ना एक बार ही मिलता है हमें। सुखल मनाई बहु
तरफ लौटते वक्त ना हम गोरखनाथ बाबा जी के मंदिर में गए थे और ऐसा ही सेम मंदिर ना गोरखपुर में भी है और हमारे गांव में भी। और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर मंदिर है ये और काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है यहाँ। सो हम सभी लोग बाबा जी के दर्शन के लिए आए थे और इसके बाद हम लोग दर्शन करके और परिक्रमा करके मंदिर की आराम से घर गए और काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है जब भी हम लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए।
और यहाँ पे ना ये माता रानी की छोटी सी मूर्ति है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, आप देख सकते हैं। एंड अभी हम लोग ना घर लौटने के बाद, नाश्ता करने के बाद हम लोग अब गांव जा रहे हैं चाचू के, वहाँ पे मुंडन सेरेमनी है तो हम लोग वहाँ ही जा रहे हैं। और बिल्कुल खेतों के बीच से ये रास्ता होके जाता है और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, कथा का वेट कर रहे हैं। कथा होगी, फिर मुंडन होगा, फिर हम सभी लोग घर जाएंगे। सो ये जो जगह है ना, ये हमारे खानदानी पावन स्थल है, यहाँ पे ही सभी के मुंडन संस्कार को किया जाता है। और काली माता का बेसिकली ये स्थान है जहाँ पे मुंडन संस्कार और कथा पूजा किया जाता है। तो अभी यहाँ पे हम सब लोग ना ऐसे हर्षित टिटोली कर रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले हैं। और ये रही हमारी काली माता, जिनसे सारी मनोकामनाएं जिनसे मांगने पे पूरी हो जाती हैं। भैया भाभी यहाँ पे कथा सुन रहे हैं और उनके साथ में ही बैठी है हमारी प्यारी सी आराध्या, जिसका मुंडन संस्कार होने वाला है। और ये रही हमारी काली माँ। काली माँ आप लोग की ज़िंदगी में ना खुशियाँ लाएं और आप लोग की सारी मनोकामना पूरी हो। कथा पूजा पूरी होने के बाद यहाँ पे मुंडन सेरेमनी स्टार्ट हो गया है, मुंडन संस्कार। और वहाँ बैठी है हमारी प्यारी सी आराध्या, जो कि अपनी मम्मा की गोदी में बैठी है, काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। बच्चे हमेशा ही मुंडन संस्कार में बहुत रोते हैं, बट बहुत ईजिली हो गया था, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। और आप बताना आपके यहाँ मुंडन सेरेमनी कैसे होता है, हम लोगों ने तो काफ़ी इंजॉय किया। Thank you.
सेरेमनी से आ गए हैं वापस और यहाँ पे आप देख सकते हैं बफर सिस्टम चल रहा है। लंच किया है और लंच में हमने मस्त दाल चावल खाई है और सब्जी के साथ में, और बाकी अपडेट ये अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम का प्रोग्राम है। ओके टाटा। हाय गाइस, सो वीडियो को ना एडिट करते टाइम मुझे रियलाइज हुआ दैट मैंने उसका आउटरो शूट ही नहीं किया है, एंड मैं लंच के बाद बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है। तो लंच के बाद हम लोगों ने फिर शाम में डिनर किया और फिर अपने अपने घर चले आए, ज़्यादा कुछ नहीं किया। थैंक यू फॉर लविंग पार्ट वन एंड हियर इज पार्ट टू। आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय।